दोस्तों क्या हाल है, स्वागत है आपका मेरे चैनल सर्वाइवल गुरुजी में। दोस्तों आपके जो जो मैंने पिछले 3 वीडियो बनाए उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है और मेरे सब्सक्राइबर ने बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा कि सर ट्रैप कब बनाओगे, पानी का ही आप बना रहे हो। तो ये बेसिकली जो चैनल में धीरे धीरे आपको हर चीज़ सर्वाइवल से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊँगा। तो बेसिकली आज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैप्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बने रहिए मेरे साथ। बेसिकली सर्वाइवल के लिए हमें जरूरी जानना है कि हम उसका सर्वाइवल के दौरान जाला किस प्रकार से बनाएं, क्योंकि आम तौर पर जो हमारे पक्षी हैं वो एक जाले में ही फंसते हैं। जब हमें जाला बनाना आएगा तो बाकी चीज़ भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं इस एपिसोड में आपको जाला किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से उसका ट्रैप बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो उसके लिए मैं ये आपके लिए सामने ये एक कोड लेके आ रखा हूँ। और इधर वैसे जो जाला बनता है वो मच्छी के धागे या फिर जो चाइनीज़ मंजा है उससे बनता है, परंतु अगर मैं उससे आपको डेमोंस्ट्रेशन ये दिखाऊं तो आपको देख पाना मुश्किल होगा और समझ पाना मुश्किल होगा। तो इस कोड के जरिए मैं आसानी से समझा सकता हूँ कि आपने जाला किस प्रकार से बनाना है। आप सबसे पहले किसी भी रस्सी को लेना और उसको फोल्ड कर देना है इस तरह से, उसके नीचे से करना और साथ ही फिर इसके ऊपरी सिरे में एक गांठ बांध देनी है। ये इस प्रकार से आपका, यदि आपको ये छोटा करना है तो इस प्रकार से छोटा कर सकते हो और ये इस तरह से आपका एक जाले का रूप हासिल कर दिया। ये देखिए जब जैसे कोई वो आएगा तो आसानी से ये क्या टाइट होके आपका जो चिड़िया का पैर वगैरह कुछ भी इसमें पड़ेगा तो टाइट होके अपने आप फंस जाएगा। अब बताऊंगा मैं आपको कि ट्रैप किस प्रकार से बनाने हैं। यहाँ एरिया दोस्तों देख रहे हो आपकी बिल्कुल घना है, तो घने एरिया होने के कारण और ऊपर से पेड़ों की छाया होने के कारण यहाँ पर पक्षियों का आ पाना मुश्किल है। तो हम इस जंगल से आगे कुछ एक ऐसा एरिया ढूंढते हैं जहाँ से एरिया थोड़ा खुला हो और चिड़ियों को आने में आसानी हो। चलिए मेरे साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं हम काफ़ी चलते चलते अभी ये थोड़ा सा हमें खुला मैदान मिला है तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अभी यहाँ पर लगाएंगे हम ट्रैप। ट्रैप के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास सबसे पहले सर्वाइवल के दौरान ये स्विस नाइफ होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपने हिसाब से लकड़ी पसंद कर सकें। चलो बताता हूँ मैं आपको कि किस तरह से हम चिड़िया के लिए ट्रैप लगाएंगे। देखिए आपने, मैंने इस तरह से अपने सर्वाइवल नाइफ से ये दो बराबर साइज़ की लकड़ियाँ काट दी है और एक इसके साथ का प्लस दो थोड़ी छोटी लकड़ी काटी है और एक पतली डंडी। इस कार्रवाई में हमारे लिए रबर बैंड बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। आप देखिए मैं किस तरह से इसको बनाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने इस हिसाब से 4 पिग लगा दिए हैं। अब इस पे हमने एक इस प्रकार से छोटी सी डंडी लगा देना है और उसके रबर बैंड से सिक्योर कर देना है। ये देखो इस तरह से। इस तरह से हमारा ये मजबूत बन चुका है। अब हमने एक रबर बैंड लेना है जिसको हमने इस तरह से, ये हमने इसको इस तरह से बांध दिया और उसका दूसरा सिरा भी इसी प्रकार से, ये देखो इस तरह से लेके हमने इस डंडी के अंदर बांध लिया। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा ट्रैप के लिए लैंडिंग हो गया। और अभी इसको लगाने का तरीका, रबर बैंड इसके ऊपर से ले जाते हुए इसकी छोटी डंडी को इन दोनों के बीच में रखना है। ध्यान रहे बीच में, अगर साइड से रखोगे तो खिसकने के चांसेस हो सकते हैं इसके, इसीलिए इसको इन दोनों के बीच में रखना है। और एक छोटी सी डंडी का आखिरी किनारा इस
प्रकार से इसको लगाना है। डंडी बिल्कुल नीचे सिरे से लगाना, ताकि जैसे ही कोई चिड़िया इसके ऊपर बैठे तो ये अपनी ट्रैप अपनी कार्रवाई कर दे। उसके बाद जिस तरह से हमने आपको बताया था कि फंदा, उसको इस तरह से आपने इसके बीच में रखना है और बिल्कुल हल्के से आपने इसके ऊपरी सिरे पर रबर बैंड से बांध देना है। तो देखिए मैं किस प्रकार से हल्के से कर रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर वाइट धागा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, अन्यथा ये मच्छी के धागे या फिर चाइनीज मांझे से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप इसको लगा देंगे। तो यदि इस दौरान चिड़िया कोई हरकत करती है यहाँ, या फिर दाना चुगने के लिए इधर पैर रखती है, तो इस प्रकार से चिड़िया आसानी से फंस जाएगी। वाइट धागे से दिया था, वो मैंने डेमोंस्ट्रेशन दिया था। अभी मैंने असली फिशिंग कॉर्ड लगा दी है और यहाँ पर मैं ये दाने इधर पर रख सकता हूँ और अब इंतज़ार करेंगे हम बर्ड्स का कि बर्ड्स आए और ये खा के जाए। उसके बाद देखेंगे कि हमारे ट्रैप में, बनाए गए ट्रैप में चिड़िया फंसती है या नहीं। तो देखिए ये आ चुका है, पकड़ लिया इसको। और ये देख सकते हैं आप, इधर पे ये फंस चुका है हमारे ट्रैप में। और देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसको, ये देखिए इसके पैर में आ चुका है आराम से, और ये ट्रैप हमारा इस तरह से ये हो रखा है और ये उड़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अब ये हमारा यहाँ पे आ चुका है और इस तरह से हम आसानी से ट्रैप के इस्तेमाल से सर्वाइवल के दौरान आसानी से हम इनको पकड़ के बना सकते हैं। तो आसान से सर्वाइवल के जरिए हम आसानी से ट्रैप में छोटे मोटे जानवरों को फंसा सकते हैं और सर्वाइवल के दौरान ये हमारे काफ़ी काम आ सकते हैं। अब हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी अपनी आज़ादी पाने के लिए बेचैन है, जिस प्रकार से एक इंसान रहता है। और आशा करते हैं ये तो दोस्तों, इस प्रकार से छोटी छोटी बेसिक टैक्टिक्स के जरिए सर्वाइवल के दौरान हम अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछने हो तो मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।